हेलो एवरीवन, आज के सीरीज में हम करेंगे उत्तराखंड डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड शिक्षण अभिरुचि यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड से जुड़े हुए 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज को आप लोग लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि ये सीरीज आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखिए, आपसे पूछा जा रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक संतुलन, समता एवं समान अवसर, सामाजिकता, विश्व बंधुत्व। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा यानी कि जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है उसमें किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं? ऑप्शन है सामान्य और विशिष्ट छात्र, केवल सामान्य छात्र, केवल विशिष्ट छात्र, प्रतिभाशाली और विशिष्ट छात्र। तो इसका राइट आंसर है, देखिए, जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है उसमें सामान्य और विशिष्ट सभी टाइप के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि के जनक हैं। देखिए, ब्रेल लिपि के जनक पूछा जा रहा है। ऑप्शन है चार्ल्स ब्रेल, लुई ब्रेल, बार्बियर ब्रेल, इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि के जनक है लुई ब्रेल। इन्होंने जो दृष्टिबाधित लोग हैं, ठीक है ना, उनके लिए ब्रेल लिपि को बनाया। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, किंडरगार्टन विधि पूछ रहा है। ऑप्शन है फ्रोबेल, मोंटेसोरी, डाल्टन, कुक। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फ्रोबेल ने किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैतिकता सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए, नैतिकता सीखने की प्रक्रिया को कौन से कारक प्रभावित करते हैं? अनुकरण, प्रशंसा एवं निंदा, प्रतियोगिता, उपयुक्त सभी। तो देखिए, ये सभी कारक जो है नैतिकता सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है। तो देखिए, सीखने का प्रयास और त्रुटि विधि का संबंध पूछ रहा है किससे है? कर्ट लेविन से, हॉल से, स्किनर से, थॉर्नडाइक से। तो देखिए, सीखने का प्रयास एवं त्रुटि विधि का संबंध है थॉर्नडाइक से। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने से संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलो ने प्रयोग किया। देखिए, पावलो एक वैज्ञानिक है, इन्होंने सीखने संबंधित प्रतिक्रिया सिद्धांत दिया। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पे, कुत्ते पर, बंदर पर या फिर चूहे पर। तो इन्होंने प्रयोग किया था कुत्ते पर। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए, सूज द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन पूछ रहा है। ऑप्शन है थॉर्नडाइक, कोहलर, पावलो, वुडवर्थ। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था कोहलर ने। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? देखिए, शिक्षण का स्तर नहीं है पूछ रहा है आपसे। ठीक है, परावर्ती स्तर, स्मृति स्तर, अभिप्रेरणा स्तर, अवबोध स्तर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अभिप्रेरणा स्तर जो है शिक्षण का स्तर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है। देखिए, मोटिवेशन किस चीज से वर्णित होती है आपको बताना है? ज्ञानात्मक जागृति द्वारा, भावात्मक जागृति द्वारा, ए और बी दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, मोटिवेशन कब जागृत होगी, कब वर्णित होगी? जब हम क्या होंगे, भावात्मक यानी हमें फीलिंग्स होंगी, जब हम फील करेंगे किसी चीज को तभी तो हम अभिप्रेरित होंगे। हम अगर खुद से ही कुछ चीज को फील नहीं कर रहे हैं तो हम अभिप्रेरित भी नहीं हो सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निगमनात्मक विधि के माध्यम से शिक्षा क्या है? देखिए, इंडक्टिव मेथड जो है उसके माध्यम से शिक्षा क्या है आपको बताना है? सामान्य से विशिष्ट, विशिष्ट से सामान्य की ओर, मैक्रो से माइक्रो की ओर होगी, आसान से कठिन की ओर होगी। तो देखिए, निगमनात्मक विधि जो होती है सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है। ठीक है ना, जनरल टू स्पेसिफिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा की अनुचित विधि है। देखिए, मोटिवेशन की इनमें से अनुचित विधि कौन सी आपको बताना है? दंड, प्रशंसा एवं दोषारोपण, प्रगति की जानकारी, प्रतिस्पर्धा। तो मोटिवेशन का जो अनुचित विधि है इसमें वो है दंड। ठीक है, दंड से हम किसी को अभिप्रेरित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मक चिंतन यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग के रूप में उद्भवन की प्रक्रिया में सम्मिलित होती है नया समाधान, अचेतन चिंतन प्रक्रिया, सूझ प्रक्रिया, शाब्दिक चिंतन। तो क्रिएटिव थिंकिंग में जो सम्मिलित होती है वो है अचेतन चिंतन प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्मृति स्मरण के चार घटक 4R किसने दिया था? तो देखिए, मेमोराइजेशन के चार घटक हैं जिसमें 4R दिया गया था। तो ये 4R का मीनिंग क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए। 4R का मीनिंग है, सबसे पहले होता है रीडिंग। ठीक है, रीडिंग का मतलब हो गया पढ़ना। दूसरा है रिटेंशन, जिसका मतलब होता है धारण करना किसी चीज को। ठीक है, धारणीयता बोल सकते हैं आप इसको। तीसरा होता है रिकॉग्निशन। ठीक है, रिकॉग्निशन का मतलब होता है पहचान करना। और चौथा होता है रिट्राइवल। ठीक है,
ये चार जो है इनको हम बोलते हैं 4 R, रीडिंग, रिटेंशन, रिकॉग्निशन एंड रिट्राइवल, ठीक है, 4 R बोला जाता है। तो ये किसने दिया था आपको बताना है, ऑप्शन है वुडवर्थ, वुंट, एडम्स, डीबी, तो ये दिया गया था वुडवर्थ द्वारा, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व संबंधी 5 फैक्टर सिद्धांत के जनक हैं। देखिए व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी से संबंधित 5 फैक्टर सिद्धांत का जनक कौन है बताना है, गोल्डन वर्ग, पिडमोंट, कोस्टा, उपरोक्त सभी, तो इन सभी ने मिलके 5 फैक्टर सिद्धांत दिया था, ठीक है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैशव काल की अवधि है, देखिए शैशव काल को बोला जाता है इन्फेंसी, ठीक है, इन्फेंसी से बोलते हैं, आपको बताना है कि इन्फेंसी की एज कौन सी होती है, जन्म से 1 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, तो इसका राइट आंसर होता है इन्फेंसी का जो काल होता है उसे बोलते हैं हम जन्म से 2 वर्ष तक के समय को, ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था मानव विकास की प्रमुख अवस्था है, आपको बताना है कि इन्फेंसी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन सी अवस्था है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, तो ये पहली अवस्था होती है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक की, देखिए आपसे पूछा जा रहा है सेल्फ सेंटर्ड जो एज होती है बालक की कौन से वर्ष में होती है, जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, या फिर किशोरावस्था में, तो देखिए बच्चा जो है सेल्फ सेंटर्ड सबसे ज्यादा होता है 3 से 6 वर्ष तक, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है, देखिए यहाँ पर आपसे नहीं है पूछा जा रहा है, ठीक है, बाल्यावस्था की इनमें से कौन सी विशेषता नहीं है, सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता, तो देखिए इनमें से जो चाइल्डहुड की विशेषता नहीं है वो है जिज्ञासा में कमी, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है, तो आपसे पूछा जा रहा है, देखिए बच्चे में शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास कौन सी स्टेज में होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था, तो देखिए एक बच्चे में बाल्यावस्था में शर्म और गर्व जैसी भावनाओं का विकास होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, तनाव तथा क्रोध की अवस्था है, देखिए बच्चे में स्ट्रेस और कब वो बहुत ज्यादा एंग्री होता है, कौन सी स्टेज में ऐसा होता है, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, वृद्धावस्था में, तो देखिए तनाव और क्रोध की जो अवस्था होती है बच्चे में वो किशोरावस्था में होती है, ठीक है, एडोलसेंस में होती है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, विकास के लिए किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है, तो देखिए डेवलपमेंट के लिए किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है आपको बताना है, ऑप्शन है मध्यावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, तो देखिए किशोरावस्था में बच्चों में सबसे ज्यादा क्या रहता है, तनाव भी रहता है और दबाव भी रहता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलौनों की अवस्था यानी कि टॉय एज कौन सी अवस्था को कहा जाता है, ऑप्शन है किशोरावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, बाल्यावस्था, तो देखिए टॉय एज कहा जाता है शैशवावस्था को, ठीक है, इन्फेंसी को कहा जाता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे हैं, तो देखिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के अनुसार एक शिक्षक के लिए हर एक वीक में कितना घंटा कार्य करना अनिवार्य है पूछ रहा है, ऑप्शन है 40, 45, 42, 48, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 45 घंटे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCERT द्वारा कब प्रस्तुत की गई, तो आपको बताना है, देखिए NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ठीक है, इसकी रूपरेखा को NCERT द्वारा कब प्रस्तुत किया गया, 2004 में, 2005 में, 2006 में, या फिर 2007 में, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2005 में। अगला क्वेश्चन है, NCF 2005 बल देता है, तो देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 किस चीज पर बल देती है, करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, इन सभी पर, तो देखिए NCF 2005 जो है करके सीखने पर बल देता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, नहीं है पूछ रहा है, ठीक है ना, एड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लार ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है, देखिए इन्फेंसी के लिए सबसे अच्छी शिक्षण विधि कौन सी आपको बताना है, मोंटेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, उपरोक्त सभी, तो देखिए ये तीनों ही विधियां उत्तम है शैशवावस्था के लिए, ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? देखिए नहीं है पूछा जा रहा है, वंशानुक्रम का नियम, समानता का नियम, भिन्नता का नियम, प्रत्यागमन का नियम, अभिप्रेरणा का नियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अभिप्रेरणा का जो नियम है वो वंशानुक्रम का नियम नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। देखिए बच्चे की मेंटल हेल्थ किस पर निर्भर करती है? विद्यालय पर, समुदाय पर, परिवार पर, इनमें से सभी पर। तो इसका राइट आंसर है देखिए ऑप्शन डी, इन सभी पर बच्चे का मेंटल हेल्थ निर्भर करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग निम्न में किससे संबंधित है? तो देखिए कोहलबर्ग एक वैज्ञानिक है, आपसे पूछा जा रहा है इनमें से किस से ये संबंधित है, सृजनात्मकता से, नैतिक विकास से, बुद्धि के विकास से, प्रक्षेपी तकनीकी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नैतिक विकास से संबंधित है कोहलबर्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई गई है? देखिए कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, कितनी अवस्था बताई है, 4 अवस्था, 5 अवस्थाएं, 6 अवस्थाएं या फिर 8 अवस्थाएं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 6 अवस्थाएं बताई है इन्होंने नैतिक विकास की। अगला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? देखिए पियाजे भी एक वैज्ञानिक है, आपसे पूछा जा रहा है किसके अध्ययन के लिए इनको जाना जाता है, भाषा विकास के लिए, यौन विकास के लिए, संज्ञानात्मक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए। तो पियाजे को जाना जाता है संज्ञानात्मक विकास के लिए। ठीक है, इसे बोला जाता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था, किसके द्वारा पहचाना गया था, कोहलबर्ग, एरिक्सन, पियाजे द्वारा, स्किनर द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पियाजे द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। देखिए मोटिवेशन के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत का प्रतिपादक कौन है पूछ रहा है, फ्रायड, क्लार्क, मैकडूगल, मॉर्गन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, मैकडूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? देखिए आपसे इंटेलिजेंस के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन पूछ रहा है किसने किया, ऑप्शन है स्पीयरमैन, थॉर्नडाइक, स्टर्न, गिलफोर्ड। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्पीयरमैन ने। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि आईक्यू निकालने का सूत्र क्या है? ऑप्शन है मानसिक आयु इंटू वास्तविक आयु, वास्तविक आयु अपॉन मानसिक आयु, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। इससे हम क्या करते हैं, आईक्यू को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना, मेंटल एज अपॉन एक्चुअल एज इंटू 100। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह यानी कि अपने बराबर के बच्चों के साथ समूह में, जिसे पीयर ग्रुप भी बोला जाता है, उसके सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था। तो इसका राइट आंसर है किशोरावस्था में। ठीक है, एडोलसेंस बोला जाता है जिसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की जिज्ञासा क्यूरियोसिटी शांत करनी चाहिए। देखिए बच्चों की जो जिज्ञासा होती है किसी चीज को जानने की, उसको कब शांत करना चाहिए, जब शिक्षक फुर्सत में हो, जब विद्यार्थी फुर्सत में हो, कुछ समय के पश्चात, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई हो। तो इसका राइट आंसर है देखिए, बच्चे की जिज्ञासा को तभी समाप्त करना चाहिए जब वो क्या करे, विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की जाए। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए यानी कि एक टीचर और स्टूडेंट के बीच किस तरीके का संबंध होना चाहिए, स्नेह का, विश्वास का, सम्मान का, ये सभी। तो देखिए टीचर और स्टूडेंट के बीच स्नेह, विश्वास और सम्मान, इन सभी टाइप का संबंध होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, ये तो थे टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आज की सीरीज में आपके साथ शेयर किए। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज बहुत हेल्पफुल और इंपॉर्टेंट रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।